हेलो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे एनसीआर क्लास सेवन साइंस ये वीडियो संबंधित हैं क्लास सेवन साइंस के चैप्टर वन पादपों में पोषण से आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ये प्रश्न आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न है निम्न में से पोषक तत्व का उदाहरण है ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट या उपर्युक्त सभी भोजन के कई सारे अवयव हैं जैसे कि प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट विटामिन खनिज इत्यादि ये सभी जो अवयव हैं ये पोषक तत्व का उदाहरण है यानी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी पोषक तत्व का उदाहरण प्रोटीन भी है वसा भी है कार्बोहाइड्रेट भी है यानी सही जवाब होगा प्रश्न एक का ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है कौन सा प्रक्रम द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ऑप्शन हमारे पास है रासायनिक संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण ग्लाइकोलाइसिस या फोटोलिसिस सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा अपनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का पराक्रम है इसमें हरे पौधे सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इस पराक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रश्न संख्या तीन कौन सा पादप अंग खाद्य कारखाना कहलाता है ऑप्शन हमारे पास है बीज फल फूल या पत्तियां सही जवाब क्या होगा पौधे जो हैं ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं इसके लिए पौधों में अनिवार्य रूप से क्लोरोफिल का होना आवश्यक है क्लोरोफिल हरे रंग के वर्णक होते हैं जो पत्तियों में पाया जाता है अर्थात पौधे खाद्य बनाने का जो कार्य करते हैं वह पत्तियों में करते हैं इसीलिए पत्ती को खाद्य कारखाना कहा जाता है इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है जो जीव अपना भोजन बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शन है, परपोषी या परजीवी जीव दो प्रकार के होते हैं कुछ जीव स्वापोषी होते हैं और कुछ जीव विषम पोषी होते हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ऐसे जीवों को स्वापोषी कहा जाता है और जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं ऐसे जीवों को विषम पोषी कहा जाता है हरे पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वपोषी अगला प्रश्न पूछा गया है जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शन हमारे पास है स्वापोषी, विषम परपोषी या परजीवी सही जवाब होगा विषम विषमपोषी विषम पोषी वैसे जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि भोजन के लिए हरे पादपों या फिर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन वी प्रश्न संख्या छः में पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑप्शन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल या ऑक्सीजन पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इस प्रक्रम को करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां अनिवार्य हैं इन चार ऑप्शन में से हमें एक ऐसा परिस्थिति को चुनना है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है चूंकि हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता महसूस करती है परंतु ऑक्सीजन का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है सही जवाब होगा ऑक्सीजन यानी ऑप्शन डी अगला प्रश्न है पत्तियों में उपस्थित हरा वर्णक है पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है एल्बुमिन तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है ग्लोबुलिन हरे पौधों में एक विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो हरे रंग के होते हैं और इसी की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है इस हरा वर्णक का नाम है क्लोरोफिल यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रश्न में पूछा गया है मरुस्थलीय पौधों में किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन हमारे पास है पत्ती तना फूल या कांटे मरुस्थलीय पौधे में क्या होती है कि इसमें पत्तियां नहीं होती क्योंकि पत्तियां अगर मरुस्थलीय पौधे में हो तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अत्यधिक होगी जिसके कारण पौधों के शरीर में जल की कमी हो जाएगी क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का अभाव होता है इस स्थिति से बचने के लिए मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं कि पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर देते हैं यानी मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नहीं होती पत्तियों के स्थान पर कांटे होते हैं तो जब पत्तियां नहीं होती हैं तो इस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग के द्वारा किया जाता है सही जवाब होगा तना क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह तने के द्वारा किया जाता है तना क्या होता है कि इन सभी पौधों में मांसल और हरी होती हैं और क्लोरोफिल वर्णक जो होते हैं ये तना में ही उपस्थित होती हैं इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मरुस्थलीय पौधों में तना के द्वारा ही किया जाता है सही जवाब होगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु है ऑप्शन दिया गया है खमीर कवाक राइजोबियम या लाइकेन सही जवाब होगा राइजोबियम। राइजोबियम एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं ऐसे जीवाणु पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को लेकर इसे आवश्यक नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को आसानी से अवशोषण कर लेते हैं और अपने काम में लाते हैं इस प्रकार राय जीवाणु जो होते हैं ये पौधों के लिए आवश्यक होते हैं प्रश्न संख्या दस सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है ऑप्शन हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा या सूर्य सभी जीव ऊर्जा के लिए भोजन का उपयोग करते हैं और हमें भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है कोई भी जीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन वैसे जीव को ऊर्जा प्रदान करती है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और हरे पौधे को खाने वाले जीव होते हैं शाकाहारी जंतु और शाकाहारी जंतु को खाने वाले जीव होते हैं मांसाहारी जंतु यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो चरम स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश ही होता है क्योंकि सभी प्रकार का ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ही निकलती है यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूर्य अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्राक्रम में कौन सी गैस मुक्त होती है ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हरे पौधे इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इस प्रक्रिया में हरे पौधे क्या करते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती अगला है अगला प्रश्न है अंततः पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है पहला ऑप्शन है स्टार्च दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज तीसरा है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन। हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अंततः पत्तियों में यह कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है सही जवाब होगा स्टार्च पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित होता है अगला प्रश्न है अमरवेल किस प्रकार का पादप है ऑप्शन दिया गया है मृत जीवी स्वापोषी, किटभच्छी या परजीवी अमरवेल एक विशेष प्रकार के पौधा है इसमें क्या होता है कि इसमें हरियाली नहीं होती यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता जिसके कारण अमरवेल का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं अमरवेल का पौधा भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे के ऊपर वृद्धि करते हैं और उस पौधे का अवशोषण करते हैं और उस पौधे को हानि पहुंचाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो पौधा अमरवेल को सपोर्ट करता है वह धीरे धीरे कमजोर होता है और अमरवेल वृद्धि करता है तो इस प्रकार के पौधे को क्या कहा जाता है सही जवाब होगा परजीवी अमरवेल का पौधा एक परजीवी पौधा है क्योंकि ये दूसरे पौधे के ऊपर रहकर उस पौधे के आवश्यक पोषक तत्व का चूषण करते हैं निम्न में से कौन किडभ पादप का उदाहरण है ऑप्शन दिया गया है घटपर्णी जिससे पीचर पादप भी कहा जाता है अगला ऑप्शन है विनस फ्लाई ट्रैप तीसरा ऑप्शन है संड्यू और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपायुक्त सभी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को मारकर खाते हैं इस प्रकार के पौधों को किटवच्छी पौधा यानी किटवच्छी पादप कहा जाता है किटवच्छी पादप का सबसे अच्छा उदाहरण है घटफर्नी यानी पीचर पादप विनोस ट्रैप और संड्यू यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी तीनों प्रकार के पौधे किटवच्छी पौधे होते हैं इस प्रश्न में पूछा गया है किटवच्छी पौधे कीटों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम नाइट्रोजन फास्फोरस या कार्बन किटवच्छी पौधे कीटों को मारकर खाते हैं इसमें पौधे क्या करते हैं कि कीटों को मारकर कीटों के शरीर में मौजूद नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि किटवच्छी पौधे कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं मृत एवं सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है ऑप्शन हमारे पास है परपोषी विषमपोषी स्वापोशी या मृत जीवी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें हरियाली नहीं होती है और ऐसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं ऐसे पौधे मृत एवं सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगते हैं और मृत एवं सड़े गले पदार्थों को अवशोषण करके भोजन के रूप में उपयोग करते हैं इस प्रकार के पौधे को मृत जीवी कहा जाता है अगर हम उदाहरण की बात करें तो मृत जीवी पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण है मशरूम अगला प्रश्न पूछा गया है लाइकेन क्या है ऑप्शन दिया गया है कवक और पौधे का सहजीवी संबंध सवाल और पौधे का सहजीवी संबंध पौधे और जंतु का सहजीवी संबंध या कवक और सेवाल का सहजीवी संबंध जो कवक और सेवाल का सहजीवी संबंध होता है कुछ विशेष प्रकार के स्थानों में कवक और सेवाल एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहायता करते हैं कवक में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है जिसके कारण कवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं परंतु सेवाल में क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ऐसी स्थिति में कवक क्या करते हैं कि सेवाल को मदद करते हैं जल और खनिज लवण के अवशोषण में जबकि सेवाल जो है ये कवक को उसके बदले खाद्य पदार्थ मुहैया कराते हैं तो इस प्रकार कवक और सेवाल का जो संबंध होता है वह एक दूसरे का सहयोगी होता है और इस प्रकार के संबंध को लाइकेन कहा जाता है यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्टूडेंट्स तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा आपको कैसा लगा आप अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताए साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें तब तक के लिए बाय